गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपको पता ही है मैं बनारस में हूँ और आज से प्रॉपर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अपन। कल तो पूरा दिन मैंने रेस्ट किया था, शाम को भैरव काल मंदिर भी गया था और आज फिलहाल हम जा रहे हैं अस्सी घाट, जो अस्सी घाट के आसपास ही मैं रह रहा हूँ। मुस्टैच होटल जो है अस्सी घाट से कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे मॉर्निंग की आरती लेंगे। फिलहाल थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है, तो लेट्स सी बोट देखते हैं अगर हमें अभी मिलता है तो वो लेके आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। सो गाइस हुआ ये कि मैं पहुँचा यहाँ पे 5:30, जो आधा घंटा लेट था मैं, 5:30 भी नहीं 5:45, और आरती ख़त्म हो चुकी थी। तो आरती यहाँ पे स्टार्ट होती है 5:10 को सनराइज़ के टाइम पे, और मैंने स्टूपिडिटी की कि मुंबई वाले भाई, आई थिंक मुंबई वालों में सबका नाम नहीं ख़राब करूँगा, लेकिन हाँ मैं लेट हो गया। तो हाँ, तो 5:45 मैं घाट पे पहुँचा और आरती ख़त्म हो चुकी थी। तो 80 घाट की आरती आज तो नसीब नहीं हुई, लेकिन मैं कल मॉर्निंग 5:00 यहाँ पे शार्प 5:00 पहुँचूँगा। कल कैसे भी जल्दी उठ के यहाँ पे आके आरती 80 घाट का ज़रूर अटेंड करूँगा, और क्योंकि दिल से जाना था। और यहाँ का जो माहौल होता है 80 घाट की आरती का, गंगा आरती का, वो मैं आपको कल बताऊँगा, कल के ब्लॉग में बताऊँगा। तो आज के ब्लॉग में आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन आई विल मेक श्योर कि कल ना हो। तो सुकून से बैठते हैं, शूट करते हैं, फिर वापस हॉस्टल जाएंगे, और हॉस्टल जाने के बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेंगे और सेकेंड हाफ निकलेंगे हम दशाश्वमेध घाट पे, और काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है वहाँ पे, जहाँ पे उनके दर्शन हम लेंगे और फिर देखने में मिलते हैं। यहाँ पे हूँ तो मॉर्निंग में मैं हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास, अभी दशाश्वमेध घाट के यहाँ पे आया हूँ। इस तरफ से रास्ता है आरती का, तो दर्शन तो मेरा हो गया, लेकिन यही है कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं थे, तो कुछ शॉट ले नहीं पाया उसकी वजह से। अभी दशाश्वमेध घाट पे हूँ, वहाँ पे आरती के लिए जा रहा हूँ। आरती लेने के बाद ट्राई करेंगे बोटिंग करना कि नहीं करना है, उसके बाद हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। तो एपिक होने वाला है आज का डे, तो लेट्स सी। अभी आगे जाता हूँ फिलहाल और घाट के नज़ारे बताता हूँ। 10 से 12 साल पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और उस टाइम के नज़ारे यहाँ के बहुत अलग थे, और अभी का नज़ारा काशी विश्वनाथ का, ये प्लेस का, मतलब बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे। दर्शन के लिए रश था ही नहीं बिल्कुल भी, तो बहुत ईजीली मिल गया, मतलब हार्डली 15 टू 20 मिनट्स में बाहर आ गया था। घाट के नज़ारे बताता हूँ। आरती ख़त्म किए दशाश्वमेध घाट पे, आरती ख़त्म करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट जा रहा हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली चलते चलते पहुँच गया यहाँ पे, और बहुत ही सुकून है। गंगा आरती
ऋषिकेश में, गंगा आरती बनारस में, नेक्स्ट लेवल है। मतलब देर इज़ नो, मतलब कोई मैच ही नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है आरती में। तो अभी हूँ मणिकर्णी का घाट के यहाँ पे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। टुडे इज़ डे 6 और क्योंकि कल 80 घाट पे आरती मिस हुआ था, 15 मिनट लेट पहुंचा था तो आरती मिस कर गया। तो अभी टाइम इज़ कितना हो रहा है, अभी 4:30 हो रहा है, सॉरी 4:45 हो रहा है, तो आधे घंटे पहले जा रहा हूँ। 5:10 या 5:15 को आरती शुरू होती है, तो आधे घंटे पहले जाके खड़े हो जाएंगे। तो अभी 80 घाट की आरती को देखेंगे और सुना है यहाँ की मॉर्निंग की आरती है बहुत अच्छी होती है। तो लेट्स सी, अभी जा रहा हूँ। अभी सनराइज़ तो हुआ है नहीं, ऑब्वियसली 4:45 हो रहा है तो ये टाइम पे कहाँ सनराइज़, लेकिन हाँ आधे घंटे में हो जाएगा। तो अभी ठीक है, मिलता हूँ घाट पे। मोबाइल को लॉकर में रख दो या तो रूम में रख दो और आप बाहर निकलो घाट पे। मॉर्निंग की आरती, मॉर्निंग का पीस, शाम की आरती, शाम की पीस। तो बहुत अच्छी आरती थी मॉर्निंग की, 80 घाट की मॉर्निंग आरती जो मैंने कल मिस किया था, तो वो मैंने आज देखा तो बहुत अच्छा लगा। आज की आरती बहुत अच्छी थी और दर्शन लिए, प्रसाद लिए, फिर अभी सोचा कि थोड़ा शूट करते हैं। बहुत प्यारी मॉर्निंग है यार, उस तरफ आरती थी। तो यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट आरती होती है, जो होती है एक दशाश्वमेध घाट पे एक आरती होती है शाम की, वो अटेंड करना आप जब आप यहाँ पे आओगे, और मॉर्निंग 80 घाट। तो ये दो जो आरती है आप कभी मिस नहीं करना, मतलब जब भी आप आओगे आधे पौने घंटे पहले तो आ ही जाओ, तो बेटर है, आपको बैठने मिलेगा, आरती अच्छे से देखने मिलेगा। तो ये एक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, कुछ खाते हैं, एडिटिंग करते हैं, देन सेकेंड हाफ का प्लान करते हैं, आगे बताता हूँ। सो यू गाइस कैन डू अ योगा ऑल्सो आरती के सेशन के बाद, आरती के बाद योगा सेशन भी कर सकते हो आप, एवरीडे होता है यहाँ पे 80 घाट पे। अभी मैं आया हुआ हूँ वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर सारनाथ करके एक प्लेस है, जहाँ पे मैं आया हूँ फिलहाल ये श्रीलंका टेम्पल। मतलब अलग अलग कंट्री के अलग मोनेस्ट्रीज है यहाँ पे, कोरिया, जापानीज, थाई, कोलंबिया, चाइना, ये सारे लोकेशन के मोनेस्ट्रीज है डिफरेंट। ये पूरे मार्बल का स्टैचू है और इनके ऊपर गोल्ड का लेयर बनाया हुआ है, तो बहुत ही पुराना टेम्पल यहाँ पे जो बनाया हुआ है। तो यहीं से एक्चुअली गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उनका उनकी जो यात्रा थी उन्होंने यहीं से स्टार्ट की थी। तो और भी कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। सो ये 12th century में तुर्किश इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय भी किया हुआ था, लेकिन ये टेम्पल का जो रिपेयर का काम है ये टाइम टू टाइम चलता रहता। सो एक्चुअली 1932 में बिल्ड हुआ था पुराना टेम्पल, श्रीलंका के मॉन्क यहाँ की देखभाल करता है और इनका हेड ऑफिस भी है कोलकाता।
और जो पुराना वाला टेम्पल था जब डिस्ट्रॉय हुआ था जो तुर्किश इन्वेडर्स थे वो टाइम के, तो वो टाइम का जो पत्थर था ना टेम्पल का वो ये है। ऐसी रॉक्स हर चारों तरफ लगाए गए मंदिर के चारों तरफ, और ये पूरा नया स्ट्रक्चर है, इन लोगों ने रीबिल्ड किया एक्चुअली। और एक और चीज़, एक और फैक्ट, वो जो टेम्पल मैंने आपको बताया जो स्टैचू था गौतम बुद्ध का, तो उसके पीछे एक अंडरग्राउंड है और वहाँ पे उनका दाद भी है, ये मैं बताना भूल गया आपको। तो साल में एक बार लोम्बर का महीना बोलते हैं, कार्तिक महीना, वो टाइम पे वो दाद को उन लोग बाहर निकालते हैं। दिस मॉन्क लोग सारे अलग अलग दर्शन करने के लिए आते हैं उनके, वो दाद के मतलब देखा जाए तो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं। ये जो स्तूपा आपने देखा, इसके बारे में, इसका जो हिस्ट्री है वो ये है, ये सबसे पहली बात तो 2000 साल पुराना स्तूपा है। अपने 5 स्टूडेंट्स को जो पहला नॉलेज दिया था उन्होंने, जो उद्देश्य दिया था, तो वो यहीं पे दिया था इसी स्तूपा के यहाँ। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, इसी स्तूपा के यहाँ से, इसी स्तूपा से। चंदन की लकड़ी लगाई गई है सैंडल की, इससे पूरा देखने से दो। ये जो मॉनेस्ट्री है जापानीज मॉनेस्ट्री है, इससे पहले हम गए थे श्रीलंका मॉनेस्ट्री, और ये है जापानीज। बीच में थाईलैंड मॉनेस्ट्री जो था वो बंद था, टाइम हो चुका है, शाम में बंद हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया। बट हाँ, यहाँ पे भी चल रहा है प्रेयर। अभी हम हैं चाइनीज़ मॉनेस्ट्री के अंदर, और ये फैक्ट मेरे को पता नहीं था, शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो। चाइनीज़ के जितने भी मॉन्क्स थे वो लोग सबसे पहले जो लाफिंग बुद्धा है उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, फिर उनके बाद गौतम बुद्धा को। अभी सीन ये है ना कि ज़्यादातर टेंपल 5 बजे बंद हो जाता है। बहुत सारे टेंपल्स ऐसे हैं जो पुराने नहीं हैं, जो एक स्तूपा जो मैंने बताया आपको जापानी स्तूपा, वो भी 2011 में बना हुआ है। ये जो कंबोडियन टेंपल है ये भी 2019 में बना है शायद। पुराने जो मेन टेंपल है जहाँ पे मैंने आपको बताया, वो सारे इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं आगे। तो हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे निकलता हूँ और देखते हैं आगे का प्लान, मिलता हूँ आपको। क्योंकि अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है अपना हॉस्टल, तो इसीलिए अभी मैंने ओला ऑटो कर लिया है। तो यहाँ से ओला ऑटो, आई थिंक यहाँ से नॉर्मल ऑटो अगर आप लोगे ना 350 रुपये लेंगे, ओला से फिर भी 150-200 के बीच में हो जाता है। तो आते वक्त मुझे 200 रुपये लगा, अभी 180-170 कुछ बता रहा है। तो आज लास्ट डे बाय द वे मेरा यहाँ पे बनारस में, तो यहाँ से अपन निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए कल। सो ऑटो अपना खड़ा है, निकलते हैं अपन। Thank you.